ये जो सद्भावना जो ऑपरेशन जो चल रहा है यहाँ पे, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है इस आवाम के लिए। हम 17 लोगों की टीम यहाँ पे आई हुई है, यहाँ पे एक्सपर्ट डॉक्टर्स हमारे साथ में हैं। ये हम यहाँ पे आने के बाद में और चारों जगह पे इसके लिए जो रिस्पांस मिला है, इट्स रियली ओवरवेलमिंग रिस्पांस। हमें ऐसा लग रहा था कि यहाँ पे 25 लोग 50 लोग इतने ही यहाँ आएंगे, ज़्यादा नहीं आएंगे, लेकिन यहाँ पे आने के बाद में जो बड़ी तादाद से जो लोग आए हैं, यहाँ पे छोटे बच्चे हैं, स्कूल वाले जाने वाले हैं, मीडियम है और बूढ़े भी हैं, वो सब लोग यहाँ पे जिस तरीके से जिस आते हैं और डॉक्टर लोगों के साथ में उनके साथ बात करते हैं, उनके साथ शेयर करते हैं, और उसके बाद में वो जब बताते कि हमें खुशी मिली यहाँ पे आके, हमें जो चाहिए था वो ट्रीटमेंट मिला, वो सुनने के बाद में हमें बड़ा सुकून मिलता है। तो उसके लिए हम यहाँ की जो पूरी आवाम है उसके लिए धन्यवाद देना चाहते हैं। यहाँ जो कैंप लगाया हुआ है, बहुत ही अच्छा रिस्पांस है लोगों का यहाँ के। सुबह से हम लोगों ने बहुत सारे पेशेंट आँखें के बारे में देखे, आँख की जो भी प्रॉब्लम है उसके लिए दवाई दी, कि जिन लोगों को चश्मे की ज़रूरत है उन लोगों को चश्मे दिए हैं। तो बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है हमारा यहाँ पे। अरेंजमेंट जो है वो भी काफ़ी अच्छी है, लोगों को इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है। जो यहाँ पर ये कैंप हुआ है, तो हम इस कैंप के लिए पहले ही बहुत दिनों से बेताब थे कि ये कैंप यहाँ पर लग जाए, और आज हमारी बहुत दिनों के बाद ये मनोकामना पूरी हो गई। और जो हमने देखा यहाँ पर एक स्पेशल डॉक्टर साहब साहिबान आए हैं अलग अलग, ये है, और ख़ासकर जो यहाँ पर मेडिसिन का इन्होंने जो एहतमाम रखा है, तो इससे आम आदमी का बहुत फ़ायदा हुआ है। और हम चाहते हैं कि आइंदा भी ये कैंप यहाँ पर लगे, बारामूला में ही नहीं कि आल वैली में के दाएं बाएं जहाँ भी है, जो गांव देहात है वहाँ पर भी ऐसे ही कैंप का एहतमाम हो। और हम उम्मीद करेंगे इंशाल्लाह रहमान कि हमें पता है कि इस चीज़ से आम आदमी का जो है बहुत फ़ायदा हो रहा है,